हेलो ऑल, वेलकम टू टूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा इस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। हम इस नंबर को पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके रखेंगे और मैंने बीच में जीरो लिया, सेम डिस्टेंस करते हुए -1 एंड -2 को लिया, क्योंकि -2 हमको चाहिए इसलिए लेफ्ट साइड में मैंने नेगेटिव नंबर को रख दिया। नेक्स्ट आपको काउंट करना है, देखो 5 रेशनल नंबर 1, 2, 3, और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा आप 3 तक क्यों गए। देखो -2 को हम लेस देन करके अगर हम इस नंबर को लेंगे, 3 तक ही जा रहे हैं। ये छोटा नंबर 5 रेशनल नंबर दिया गया है इसीलिए हम ऐसे कर पा रहे हैं। अगर आपको 10 या 15 नंबर दिए रहेंगे तो आपको इसी हिसाब से मेजरमेंट करके लिखना है, कहाँ तक आपको लिखेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर इंटीजर के हिसाब से डायरेक्टली लिख दिया हूँ, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर पर आपके बुक में आंसर दिया गया है -2 लेस देन -3/2 देन -1 देन 0 देन हाफ देन 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, दोनों हमारा करेक्ट है। ठीक है, मतलब ये जो आंसर करेक्ट है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रही हूँ, और ये जो दोनों आंसर हमारा करेक्ट है वो कैसे, देखो ये मैंने डायरेक्टली इंटीजर फॉर्म में ले लिया, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, हमको रेशनल नंबर पूछा गया है और ये मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिया हूँ। पहले भी मैं आपको ऐसे वो मतलब इसी टाइप का फ्रैक्शनल नंबर और इंटीजर के बारे में बोल दी हूँ। तो कैसे होगा ये -3/2, इस लाइन पर कौन सा पॉइंट है, पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 और उसके बाद 0 एंड 1 के बीच, -1 के बीच ये जो पॉइंट है, बीच का पॉइंट वो हमारा -1/2 है कि नहीं। 0 एंड 1 के बीच में हाफ ही रहेगा, मतलब और -1, -2 के बीच में ये भी हाफ रहेगा अगेन। पर ये जो पॉइंट है हम इसको लिखेंगे क्या, देखो -1 फुल एंड हाफ, मतलब 3/2 को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं -1 एंड 1/2, जो कि हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है और इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3/2 लिख रहे हैं। 1 फुल हो रहा है उसके बाद हाफ को ले रहे हैं, तो -2 और ये जो पॉइंट है -3/2 हम डायरेक्टली लिख देंगे, ये पॉइंट हमारा -3/2। ठीक है, इस पॉइंट -2 एंड -1 के बीच का जो पॉइंट है -3/2, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है कन्वर्ट करने के बाद, और ये माइनस हाफ है तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। नेक्स्ट 0 एंड 1 के बीच पॉजिटिव हाफ है कि नहीं, तो वो भी मैंने लिख दिया, तो गलत कहाँ हुआ, गलत नहीं हुआ ना। तो ये भी है ये भी है, पर आपको मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये आंसर भी बोल दिया कि ये आंसर आपके बुक में है और मैंने इसी टाइप का भी, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो खुद से। ओके, आंसर दोनों सेम है और 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 रेशनल नंबर हमको ऐसे भी मिल रहा है और ऐसे भी मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। पहले हमको इस नंबर जो गिवन है ना उसको लिख देना है, करेक्ट। उसके बाद एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना होगा, 4 × 5 जो कि 20, अदरवाइज आप 5 एंड 4 का ऐसे एलसीएम ले सकते हो। 2 में पहले लेंगे, 5 तो नहीं जाएगा, 2 2 जा, देन 2 में लेंगे, 5 नीचे आ जाएगा, 1 देन 5 पे लेंगे 1 एंड 1, और ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी 20 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी 20 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 20 आए 5 में, तो 5 × 4 देन 3 × 4 तो 12 / 20, अगेन नीचे
फोर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव, थ्री में फाइव, फिफ्टीन बाय ट्वेंटी। तो इस नीचे का छोड़ दो, तो ट्वेल्व एंड फिफ्टीन के बीच में, ये ट्वेल्व एंड फिफ्टीन के बीच में कौन सा नंबर आया गया, थर्टीन एंड फोर्टीन। हमारा तो टेन डेसिमल नंबर नहीं हो रहा है, तो हम इसको, इस फ्रैक्शन को और भी बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे मतलब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके साथ हम 12 इंटू एट, आप कौन सा भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करके उसको बढ़ा सकते हो, जैसे कि वो दोनों नंबर के बीच, दो रैशनल नंबर के बीच 10 रैशनल नंबर हमारा आ सके। आपको पूछा गया है 10, इसलिए आप 10 ढूंढोगे, अगर 6 पूछा जाता तो 6 या 5, 5 ऐसे आपको ढूंढना है। तो 12 के जगह हमको क्या मल्टीप्लाई करना है और 15 के जगह हमको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो नंबर के बीच हमारा 10 नेशनल नंबर आए, तो मैं 8 ले रही हूँ, 20 में भी 8 कर दूंगी, नीचे हमारा 160 और ये 96, तो इस पे भी 8, ये 8, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा 120 और ये 160, दोनों डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो 96 एंड 120, ये दोनों के बीच में, 96 को काउंट नहीं करना है, 120 को काउंट नहीं करना है, ये दोनों के बीच हमारा कौन सा नंबर आएगा, कितना नंबर आएगा, वो 10 नंबर आ रहा है कि नहीं, वही आपको देखना है। अगर आ रहा है आपको यहाँ पर स्टॉप करना है, वो नंबर को लिखना है, अगर नहीं आ रहा है तो अगेन आपको फिर से मल्टीप्लाई इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो कितना नंबर आएगा, 97 बाय 160, 98 बाय 120, ओ सॉरी 160, 98 बाय 160, देन 99 बाय 160, 100 बाय 160, 101 बाय 160, 120 के अंदर तक ही जाएंगे, मतलब 19 तक, 119 तक हम नंबर जा सकते हैं, 1 2 3 4 5, 102 160, 103 160, 105 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया, हमको यहां तक चाहिए था, पर आएगा कितना, अप टू 119। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।